Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics Shows. So our today's topic is how to draw a ray diagram in case of concave lens. So I know this is a concave lens और आप जानते हैं इसमें हमेशा जो इमेज बनेगी that is diminished means small size. So how to draw? See. So first of all we will draw a line which is called principal axis. Principal axis से हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपास रखना है, किसी भी पॉइंट पर आप रख सकते हैं, थोड़ा सा वाइड ओपन कीजिएगा लेंस अच्छा बनेगा, कंपास को वाइड ओपन करना लेंस अच्छा बनेगा. सिमिलरली यहाँ से यहाँ अगर लाइन वाला पेज है तो चार लाइन नीचे चार लाइन ऊपर, देन वी विल मीट इट. जैसा कि आप जानते हैं कनकेव लेंस साइड में से थिक होता है और बीच में से ये थिन होता है. एग्जैक्ट सेंटर इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. इसमें हमें तीन बातों का ध्यान रखना होगा डायग्राम ड्रॉ करने से पहले, कि इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस इट विल गेट पैरेलल, एंड इफ इट इज कमिंग फ्रॉम सी देन इट विल पास थ्रू सी. रिफ्रैक्शन होगा तो रे क्रॉस करेंगी, रे आर पर इसके जाएंगी जाएंगी. तो अब हमें ड्रॉ करने हैं फोकस. तो यहां से 3 सेंटीमीटर एंड देन अगेन 3 सेंटीमीटर, यहां से 3 सेंटीमीटर देन अगेन 3 सेंटीमीटर. दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस अपना जहां भी स्फेयर कंप्लीट कर रहा है दैट विल बी योर मेन फोकस F1. दिस विल बी 2F1. दिस इज F2. दिस विल बी 2F2. इफ द यू कैन प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, दिस इज माई ऑब्जेक्ट नेम AB. फर्स्ट द रे विल इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास थ्रू फोकस. अब इसका मेन फोकस F1, इसलिए मैंने आपको बताया था कि मेन F1 आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस अपना जहां भी सर्कल कंप्लीट करेगा तो रे पीछे तो जा नहीं पाएगी बिकॉज रिफ्लेक्शन तो नहीं हो सकता. रिफ्लेक्शन होगा रे को आर पर जाना होगा तो रे को क्रॉस करना पड़ेगा, तो रे इस तरीके से क्रॉस करेगी. और जब मैं इसको पीछे मिलाने की कोशिश करता हूँ आई सी कि इट इज़ पासिंग थ्रू फोकस, वर्चुअली इट इज़ पासिंग थ्रू फोकस. देन द नेक्स्ट रे विल पास थ्रू ओ ऑप्टिकल सेंटर, देन इट विल नॉट डेविएट नॉट बेंड, इट विल पास थ्रू स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन. इट मीन्स इट इज़ नॉर्मल रे. जहाँ भी दो रे इंटरसेक्ट की हैं वर्चुअली वहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी. So this is our image, name A-B'. Now you can write the nature of image.